वो जानना है ना। एक्चुअली मैं मतलब ORB क्लान मैंने बनाया था, तब हम लोग पेड़ कस्टम्स खेलते थे। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल था, उस पर मैं खेलता था, तो उसमें रेंडर होता था। तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा मोबाइल ले लूँ मैं, तो वो टाइम पे मैंने 60 मैंने पहले ही खरीद लिया, क्योंकि मुझे एक बंदा बोला कि मतलब मुझे ज्यादा पहचान नहीं थी मेरी, कुछ नहीं थी। मेरे दोस्त के पास एक 60 था, वो बोला कि 60 ले लो, तो मैंने ले लिया। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ कहीं पे स्लॉट नहीं मिल रहा था, तो मेरा एक दोस्त था जो कम्पिटेटिव खेलता था, वो मुझे बोला कि एक काम कर अभिजीत, मेरा नाम अभिजीत है, वो बोला अभिजीत एक काम कर, तू पेड कस्टम्स खेल, वहाँ पे तेरा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, वहाँ पे अच्छी अच्छी टीम्स आती है। तब मैंने पेड़ कस्टम्स खेलना स्टार्ट कर दिया, वो टाइम पे। और पेड़ कस्टम में बहुत अच्छी अच्छी टीम आती थी, लाइक मतलब वो टाइम की जो इंडिया की बेस्ट स्क्वाड थी, उसमें से कुछ कुछ स्क्वाड वो टाइम आती थी, और मेरा बहुत प्रैक्टिस होने लगा। तब मैं मतलब तब मैंने ORB क्लान बनाया, तब मेरे पास मतलब मैंने नियो का गेम प्ले देखा, नियो पहले CSPG में था, तब मैंने नियो को ले लिया टीम में। तो नियो और मैं और शैडो, जो अभी इन योर ड्रीम्स है, फनाटिक इन योर ड्रीम्स, वो उसका नाम शैडो था, ORB शैडो, वो था मेरे टीम में। और किंग्स करके था, ORB किंग्स करके एक बंदा था, हम लोगों ने एक स्क्वाड बनाया इसमें पबजी, मतलब ये जो PMCO का स्प्रिंग स्प्लिट हुआ था वो टाइम पे। तब हम चारों ने मिलकर क्वालिफायर्स खेलने स्टार्ट कर दिए। हमको लगा नहीं था मतलब हम लोग ये लेवल तक आएंगे, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिस हुआ था पेड कस्टम्स में, मतलब लाइक लास्ट जोन में सर्वाइव करना, ये सब चीज़ें, वो वहाँ पे काम आई। और स्टडी कर लिया था मैप का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, मैंने और नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इतना साथ में खेला है ना, बहुत ज़्यादा खेला है साथ में। तो ORB में हम लोग फिर सेकेंड आए थे वो टाइम पे, सॉरी सेकेंड ही बोल रहे हैं, PMCO में जो क्वालिफायर्स होते हैं स्प्रिंग स्प्लिट के, तो तब सेकेंड आए थे हम लोग। लेकिन जो फाइनल्स हुआ था इंडिया का दिल्ली में, उसमें हम 6th आए थे, क्योंकि हमारे दो बंदे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, मतलब अप टू देयर मार्क। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करते तो उस टाइम भी हम लोग टॉप 3 इजी कर लेते थे। तो फिर हम लोगों ने फिर उसके बाद हमारा नाम हुआ थोड़ा सा, और नाम होने के बाद अपने आप आपको बंदे खुद आके अप्रोच करते हैं, मतलब जो टाइम पे हमारे साथ बंदा खेलना नहीं चाहते थे, वो बंदे आके खुद हमें अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे टीम में ले लो करके। तो ये सीन ऐसा थोड़ा सा हुआ था हमारे साथ। और जोनाथन डार्लिंग कैसा है? लेआउट देख रहा है मेरा, एकदम नॉर्मल लेआउट है ब्रो, ये देखो मेरा लेआउट।